हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम फेमस अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। ये पोएम बहुत शॉर्ट और सिंपल है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत डीप यानी गहरे आइडिया को कन्वे करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आप सक्सेस या जीत की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। थीम है इस 3 स्टैंजा पोएम का। Let's read. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend the nectar requires sorest need. Dickinson पहली लाइन में कहती है कि सफलता का मोल वो ही सबसे ज़्यादा समझता है जो कभी भी सफल नहीं होता। अगर कोई बच्चा हर बार क्लास में फर्स्ट आए तो शायद वो फर्स्ट आने की कीमत को ना जानता हो, लेकिन अगर कोई बच्चा हमेशा सेकेंड या थर्ड रह जाए या कभी पास ही ना हो तो वो उस चीज़ की कीमत को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। टू कॉम्प्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। वर्ड मीनिंग, कॉम्प्रहेंड का मतलब समझना, नेक्टर का मतलब रस, सोरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला। लास्ट 2 लाइन्स का मतलब है कि किसी रस को समझने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। हम दिन भर पानी पीते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पानी छीन ले और 2-3 दिन बाद हमें बस 1 ग्लास पानी दे दे तो हम उसकी वैल्यू बिल्कुल ढंग से समझ पाएंगे। तो वही आइडिया यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम 2nd और 3rd स्टैंजाज को देखते हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। नाउ टेक 1st 2 लाइन्स। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पर्पल होस्ट का मतलब होता है ऐसी आर्मी जिनके फ्लैग्स पर्पल हों। यूजुअली खासकर वेस्टर्न कल्चर में पर्पल रंग के फ्लैग्स रॉयल आर्मी या विक्ट्री से कनेक्टेड होते हैं। तो एक ऐसी आर्मी का वर्णन हो रहा है जो कि जीती है और जिसने आज जीतने वाला फ्लैग अपने नाम किया है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है हु कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, जो कि जीत की असल परिभाषा, उसका मतलब अच्छे से बता पाए, क्योंकि वो तो जीत गए तो उन्हें असल में पता ही नहीं है कि विक्ट्री क्या होती है। किसको पता है विक्ट्री क्या होती है? लेट्स रीड। एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हूज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एग्नाइज्ड एंड क्लियर। विक्ट्री यानी जीत का असली मतलब तो वो समझ रहा है जो हार गया है। डिफीटेड का मतलब हार गया, फॉरबिडन का मतलब मना किया गया हो किसी चीज़ के लिए, डिस्टेंट मतलब दूर से, स्ट्रेन्स मतलब आवाज़ें, ट्रायम्फ मतलब जीत, बर्स्ट का मतलब फूट कर निकलने वाला, एग्नाइज्ड मतलब बहुत चिंता होना किसी चीज़ की। तो वहाँ पर जो हारा हुआ इंसान है जो कि मर भी रहा है, उसके कानों में फॉरबिडन ईयर मतलब कानों में पहुँचनी तो नहीं चाहिए वो आवाज़, उसे बहुत बुरी लग रही है। क्या पहुँच रही है आवाज़ जो कि वहाँ पर जीत के गाने और म्यूज़िक संगीत बजाया जा रहा है, वो उसके कानों पर पड़ रहा है। और जब वो पड़ रहा है तब वो उसके कानों को बहुत ज़्यादा वरी यानी चिंता दे रहा है और बहुत ज़्यादा क्लियर है वो म्यूज़िक उसके लिए, क्योंकि उसे वहाँ पर होने वाली विक्ट्री भले ही दूसरी पार्टी की हुई है लेकिन उसे उनके हर जीत के गाने का मतलब पता है। गाना हो सकता है, आवाज़ें जो भी हो हल्ला मचा रहे हैं लोग जीत में वो। अब आप सीन इमेजिन करिए कि एक आर्मी वहाँ पर दूसरी ओर जीत का जश्न मना रही है और दूसरी ओर एक आर्मी हारी पड़ी है, वहाँ पर लोग हारे पड़े हैं। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो जो इंडिया के लोग अगर हार गए तो उन्हें पाकिस्तान क्योंकि अपने चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहा है वो भी बुरा लगता है और वो उस चीज़ का मतलब ज़्यादा समझते हैं कि काश ये हमारे पास होता। इस पोएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम मीन्स एक शॉर्ट पोएम जो कि एक सिंगल आइडिया पे बेस्ड हो। 1859 में लिखी गई और 1864 में अनोनिमसली पब्लिश हुई। अनोनिमसली मीन्स पोएट का नाम नहीं छापा गया। ये एमिली डिकिंसन की उन कुछ पोएम्स में से है जो कि उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश कर दी गई, क्योंकि ज़्यादातर पोएम्स डिकिंसन की उनकी डेथ के बाद पब्लिश की गई। ये सबसे पहले ब्रुकलिन डेली यूनियन में और फिर अ मास्क ऑफ पोएट्स में पब्लिश की गई। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।